Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you hear? Okay, great. अच्छा जी, let's start with the information systems. कल हमने expert system को discuss करना शुरू किया था. Let's complete it. Expert system, I told you, examination में दो दफा आ चुका है. एक दफा एक्सपर्ट सिस्टम की प्री कंडीशंस में क्वेश्चन आया था, और एक दफा इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स पे क्वेश्चन आया था. एक्सपर्ट सिस्टम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम होता है, बेसिकली जो ह्यूमन बिहेवियर्स और ह्यूमन जजमेंट्स को सिमुलेट करता है यूजर्स के लिए. एक्सपर्ट सिस्टम की बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे आपके मोबाइल में अगर चेस की कोई गेम है तो आप उसमें डिफिकल्टी लेवल पहले सेट करते हैं. ईजी डिफिकल्टी लेवल खेलना है, या मीडियम खेलना है, या हार्ड खेलना है. एंड देन व्हेन यू सेट अ डिफिकल्टी लेवल, तो वो जो कंप्यूटर या जो गेम है वो फिर आपके साथ आपकी मूव्स के अकॉर्डिंगली गेम को खेलती है. इसका मतलब है कि वो जिस तरह एक इंडिविजुअल गेम खेलेगा उसी तरह एक कंप्यूटर जो है वो गेम खेलेगा. सो दैट इज हाउ वी कॉल इट सिमुलेशन. सिमुलेट करने का मतलब होता है ह्यूमन लाइक बिहेवियर को, या किसी रियल, जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, सिचुएशन रियल टाइम सिचुएशन के क्लोजेस्ट आप एक मॉडल बना लेते हैं. तो इसी तरह इंसान के जो डिसीजंस होते हैं, इंसान की जो जजमेंट्स होती हैं, उन जजमेंट्स को आप सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सिमुलेशन की जो बड़ी कॉमन एग्जांपल्स हैं, दे आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन लाइक लीगल डायग्नोस्टिक्स, लॉ सिस्टम्स में इस्तेमाल होते हैं. जैसे लॉयर्स जो हैं वो एक्सपर्ट सिस्टम बना लेते हैं जिसमें वो फिर सारा डेटाबेस मौजूद होता है, डिफरेंट लॉ की क्लॉजेज होती हैं. क्लाइंट आता है, क्लाइंट आके अपनी इन्फॉर्मेशन देता है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन आप उसमें एंटर कर देते हैं सॉफ्टवेयर में. तो वो सॉफ्टवेयर आपको बताता है कि किस किस्म की सिचुएशन का सामना है, या किस किस्म की इसमें आपको लीगल क्लॉज का सामना है. इसी तरह मेडिकल डायग्नोस्टिक्स होते हैं. मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सारी इन्फॉर्मेशन मांगता है आपसे, आपका ब्लड ग्रुप, आपके सिम्टम्स, आपकी तमाम चीज़ें, और फिर वो आपको रिकमेंड करता है मेडिसिन. ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके लोन एप्लीकेशन होती है, या तो ये सारे एक्सपर्ट सिस्टम्स की तरह काम करते हैं. ऑल ऑफ दीज आर एक्सपर्ट सिस्टम. एक्सपर्ट सिस्टम के ऊपर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नंबर वन, एक्सपर्ट सिस्टम की प्री कंडीशंस क्या होती हैं, और नंबर टू, एक्सपर्ट सिस्टम जो होते हैं उनके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स क्या होते हैं. सो देयर आर सम ऑफ द प्री कंडीशंस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम. यानी एक्सपर्ट सिस्टम कब सूट करेगा, प्री कंडीशन से क्या मुराद है, लाइक व्हेन एन एक्सपर्ट सिस्टम सूट्स. एक्सपर्ट सिस्टम कब एक इदारे को सूट करेगा? एक्सपर्ट सिस्टम एक इदारे को सूट करेगा जब प्रॉब्लम रीजनेबली वेल डिफाइंड है. जैसे फॉर एग्जांपल चेस की गेम है ना, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है, सारी मूव्स नोन है, आप उस गेम की बाउंड्री ड्रॉ कर सकते हैं. इसी तरह मेडिकल डायग्नोस्टिक्स है, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होती हैं, सिम्टम्स नोन हों तो बड़ी आसानी से मेडिकल नॉलेज के मुताबिक आप हर सिम्टम को रिलेट कर सकते हैं किसी ना किसी मेडिकल एलिमेंट के साथ. जितनी प्रॉब्लम वेल डिफाइंड होगी, एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप करना आसान होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपर्ट सिस्टम के बैकएंड पे डेटाबेस ही काम कर रहा होता है. देयर इज अ कंप्लीट डेटाबेस ऑफ एक्युमुलेटेड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एंड सिनेरियोस, जो कि फिर कंपेयर एंड कंट्रास्ट करता है आपकी इंफॉर्मेशन को उसके अंदर जो भी डेटा मौजूद है उसके साथ, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको बताता है कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए. Experts can define some rules. Experts rule define करते हैं. Problems cannot be solved through a typical TPS. TPS तो definitely सिर्फ data processing करता है, data handling करता है. TPS से problem solving तो नहीं होती. वैसे इस point का यहाँ पे कोई दुख नहीं बनता वैसे कुछ. You can just read it. कि TPS से वो solve नहीं हो सकती. Experts को आप release कर देते हैं so that they can focus on more difficult problems. Investment is cost justified. ये 6 नंबर का सवाल आया था पेपर में. Preconditions बताने की सारी की सारी. Investment आपकी cost justified है, यानी जितना पैसा आप लगा रहे हैं एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप करने में उतना वो आपको रिटर्न भी दे रहा है. इन्वेस्टमेंट आपकी जस्टिफाइड है. एक्सपर्ट सिस्टम हैज सो मेनी एडवांटेजेस, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी. फॉर एग्जांपल नॉन एक्सपर्ट्स कैन मेक एक्सपर्ट डिसीजंस. नॉन एक्सपर्ट्स जो है वो एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. फास्ट एक्यूरेट और कंसिस्टेंट एडवाइस होती है. एबिलिटी टू चेंज इनपुट डिटेल सो दैट यू कैन गेट ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस. फॉर एग्जांपल आप सिम्टम्स चेंज करके देख सकते हैं कि और क्या क्या सोल्यूशन अवेलेबल हैं आपके पास. स्टाफ कॉस्ट आपकी कम हो जाती है. आप एक्सपर्ट्स को फ्री कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स कैन बी फ्री टू एलोकेट टू सम अदर कॉम्प्लेक्स इश्यूज. जैसे एक डॉक्टर है,
अब एक डॉक्टर एक्सपर्ट सिस्टम यूज करता है, अपने अटेंडेंट अपने जूनियर को कहता है कि वो एक्सपर्ट सिस्टम यूज करते हुए जो रूटीन के पेशेंट्स हैं उनको डील करे, और डॉक्टर अपना टाइम बचा लेता है फिर मेजर सर्जरीज के लिए या कोई कॉम्प्लेक्स इश्यूज को हैंडल करने के लिए. कैन बी अवेलेबल 24 आवर्स, कैन बी अ सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज, मल्टी एक्सेस होती है, एक एक्सपर्ट सिस्टम को डिफरेंट यूजर्स एक ही वक्त में एक्सेस करके फिर एक ही वक्त में टाइम बचाते हुए काम कर लेते हैं. कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, फॉर एग्जाम्पल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट हाई रिक्वायर्ड होती है, पैसा बहुत चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है क्योंकि कंप्यूटर्स हैं, यू नीड टेक्निकल पीपल टू डील विद द सॉफ्टवेयर इश्यूज, और सिस्टम ऑटोमेटिकली तो लर्न नहीं करता ना, एक्सपर्ट्स को कंटिन्यूसली अपडेट करना पड़ता है सिस्टम के नॉलेज को. फॉर एग्जाम्पल कोई नई मेडिकल डिस्कवरी हो गई है, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई नई बीमारी का पता लगा है, तो आपको जो है वो फिर खुद से अपडेट करना पड़ेगा सिस्टम को बहुत नहीं सीखता. नॉन एक्सपर्ट जो है वो सिर्फ एक्सपर्ट सिस्टम की इंफॉर्मेशन की बेस पे बार दफा गलत एडवाइस भी दे सकता है, तो एडवाइस कैन बी इनएक्यूरेट, इट हैज टू बी मेड श्योर कि वो जो यूजर है उसके बाद भी कुछ प्रायर नॉलेज होना चाहिए, वो बिल्कुल नॉन एक्सपर्ट ना हो, ही हैज टू हैव सम नॉलेज. डाउन टाइम कहते हैं जब सिस्टम फेल हो जाता है, जब सिस्टम काम नहीं कर रहा होता तो डाउन टाइम स्टार्ट हो जाता है. सिस्टम कैन फेल इफ डाउन टाइम इज देयर. आपकी सिस्टम पे रिलायंस ज्यादा होती है, रिलायंस का मतलब ये होता है तो फिर ओवरऑल टेक्नोलॉजी का इशू है, सिर्फ एक्सपर्ट सिस्टम का इशू नहीं है. जितनी टेक्नोलॉजी वसी होती जाती है हमारी उस पर डिपेंडेंस बढ़ती जाती है, सो द मोर टेक्नोलॉजी वी हैव द मोर वी विल डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी. तो जो हमारी डिपेंडेंस है टेक्नोलॉजी के ऊपर वो ग्रो करती जाती है, बढ़ती जाती है. इसी तरह पॉसिबल यूजर रेजिस्टेंस फॉर हाई लेवल एक्सपर्ट्स, यूजर जो है वो रेजिस्ट करते हैं स्पेशली जो हाई लेवल एक्सपर्ट्स हैं. ये हमने पढ़ा था 4th चैप्टर में चेन मैनेजमेंट के अंदर, के जब आप कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं तो पीपल बिलीव के वो जॉबलेस हो जाएंगे या उनका एम्प्लॉयर उनको पसंद नहीं करेगा, सो पीपल माइट रेजिस्ट द एडॉप्शन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम. एक्सपर्ट सिस्टम के जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, प्री कंडीशन भी एक अलग से क्वेश्चन में आ चुकी है और इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स के भी अलग से सवाल आ चुका. एक्सपर्ट सिस्टम के बाद जो अगले तीन सिस्टम्स हैं ये टेक्निकल लेवल सिस्टम है, ये डिपार्टमेंटल लेवल सिस्टम. द नेक्स्ट थ्री सिस्टम्स आर टेक्निकल और डिपार्टमेंटल लेवल, FRS, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम, एंड HRS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, पर्सनल सिस्टम भी कहते हैं. इन तीनों सिस्टम में एक चीज कॉमन है और वो ये है कि तीनों सिस्टम के बैकएंड पे TPS काम करता होता है. All of these three systems have TPS working at the back end. Financial reporting system के अंदर भी जो data आएगा वो TPS के through आएगा ना, हमने पढ़ा था TPS दो किस्म के होते हैं, financial and accounting TPS and HR TPS. तो financial and accounting TPS का purpose क्या है कि वो financial transactions को record कर रहा है, ठीक है. तो पहला काम क्या होता है इसमें, TPS inbuilt होता है, accounting records for business transactions को आप maintain कर रहे होते हैं. एंड देन इसका जो असल पर्पज है वो है रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारे की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी उसको रिपोर्ट करता है. इट रिपोर्ट्स ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो मेनी बिजनेसेस ऑपरेट अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग देयर बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अकाउंटिंग TPS, इसे हम बुक कीपिंग सिस्टम या लेजर भी कहते हैं. And it becomes the foundation of FRS. FRS, obviously बात है ना, reporting जब तक आपके पास data नहीं होगा reporting कैसे करेंगे? So data को हासिल करने के लिए आप TPS इस्तेमाल करते हैं. You need to have a TPS so that you can get the data which can be reported through FRS. So all large business organizations do have a bookkeeping system. अरे के पास bookkeeping system होता है जिसके through आप financial details, business transactions की report करते हैं. ये जो इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड करते हैं बुक कीपिंग सिस्टम में, इसको फिर FRS यूज करता है, समराइज करता है पीरियोडिकली, जनरली फॉर अ ईयर, और इसकी बेस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं. ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं दीज बेसिकली आर डेवलप्ड थ्रू FRS. तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम जो है इसके बैकएंड पर TPS काम कर रहा है, और TPS जो है वो सारा फाइनेंशियल डेटा लेके, अकाउंटिंग का डेटा लेके उसे प्रोसेस करता है और उसकी बेस के ऊपर फिर आप रिपोर्टिंग करते हैं, यू मेक रिपोर्ट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ये इन्फॉर्मेशन मुहैया करती है अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी, एंटिटी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके अगेंस्ट आप रिपोर्टिंग करते हैं.
Financial reporting system has to be reliable, has to be accurate, must be complete. Access to data entry should be strictly controlled by the authorized personnel only. Obviously, because financial reports are very sensitive, they cater for highly sensitive data. So, their access and their rasai is only for those people who are actually concerned. In Excel, you can make financial statements. In Excel, you can make income statements. But there are no rules following. Like MIS के अंदर formal rules नहीं होते. MIS को आप जैसे मर्जी use कर रहे हैं मर्जी से. जैसे MS Excel है, Oracle की बात की, Microsoft Excel जो है, ये एक बड़ा standardized software है, जिसे हर कोई use कर सकता है, हर business का function, हर department इसको use कर सकता है अपनी need के मुताबिक. लेकिन जो FRS है, ये strict accounting standards को use करता है, reporting standards use करता है while making financial statements. You see? इसका मतलब है कि जब आप स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को यूज करेंगे तो आप ऑडिट ट्रेल को मेंटेन करेंगे, ऑडिट ट्रेल को सपोर्ट करेंगे. सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हैं वो टीपीएस से कैप्चर की जा रही हैं और ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं. ऑल द ट्रांजैक्शंस आर बीइंग कैप्चर्ड थ्रू टीपीएस. ट्रांजैक्शंस को आप कैटेगराइज करते हैं उसकी रिस्पेक्टिव हेड्स के अंदर ताकि आप अल्टीमेटली उसकी बेस पे एक समरी क्रिएट कर सकें. ट्रांजेक्शन आर ऑलवेज कैटेगराइज्ड इन देयर रिस्पेक्टिव हेड्स. आप ट्रांजेक्शन को उनके रिस्पेक्टिव हेड्स में कैटेगराइज करते हैं ताकि वहां से आप समराइज और करेक्ट वे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ड्रॉ कर सकें, डिटरमाइन कर सकें. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी ये FRS के अंदर पाई जाती हैं. इसी तरह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट एक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम. ऑर्डर प्रोसेसिंग जो प्रोसेसिंग है ये सेल्स डिपार्टमेंट करता है एंड इट इज लिंक्ड विद इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम. ये लिंक्ड होता है इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम. जस्ट इमेजिन यू डायल द फोन नंबर ऑफ मैकडॉनल्ड्स फॉर होम डिलीवरी करवाते हैं, सारे लोग करवाते हैं. तो वो जैसे ही आप कॉल करते हैं तो उनका जो ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है. वो फौरन आपका ऑर्डर लेते हैं और पहले चेक करते हैं कि इस ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए क्या इन्वेंट्री मौजूद है, क्या रिसोर्सेज मौजूद है. अगर है तो वो आपका ऑर्डर फाइनलाइज करेंगे, पंच करेंगे. ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डरिंग कहते हैं. या फॉर एग्जाम्पल आप द्रास डॉट पी के पे कोई आइटम ऑर्डर कर रहे हैं तो वो सबसे पहले इन्वेंट्री चेक करता है कि इन्वेंट्री मौजूद है या नहीं है. तो ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम इज लिंक्ड विद इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम. So that sale person can establish whether the organization is capable of fulfilling the order or not. जो sales person होता है वो फिर ये check कर लेता है कि क्या वाकई ये order हम fulfill कर सकते हैं, can we fulfill this order or cannot. इसी तरह inventory control system का जो purpose है ये क्या होता है कि maintain करना होता है business के अंदर appropriate level of inventories को. You have to maintain appropriate amount of inventory at all the times. ये system जो है ये accurate inventory levels की reporting करता है और जैसे ही इन्वेंट्री एक सर्टेन लेवल पे आती है तो फौरन रिप्लेसमेंट ऑर्डर कर देते हैं, जैसे रीऑर्डरिंग कहते हैं. आप कॉस्ट अकाउंटिंग में जाकर पढ़ेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टॉपिक पूरा, उसमें आप पढ़ेंगे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम्स क्या होते हैं, टू बिन सिस्टम्स क्या होते हैं. तो इन्वेंट्री के अंदर एक सर्टेन लेवल होता है जिसे थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं और जैसे ही आपकी इन्वेंट्री थ्रेशोल्ड लेवल पे आती है फौरन रीऑर्डर प्लेस हो जाता है, फौरन आप रीऑर्डर करते हैं. ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो बिजनेस के इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम्स हैं they ensure that there are enough items in place to allow production to continue smoothly. तो आपने ये make sure करना होता है कि आपकी inventory के अंदर इतने units पड़े हुए हैं कि आप continuously smoothly आप operate कर सकें, आप smoothly चीजों को handle कर सकें, run कर सकें. Inventory control ये सवाल आ चुका है paper में और दो दफा आ चुका है, दो दफा question आया है paper में ये वाला. यहाँ देखें, this question has appeared twice. ये March में आया था question number 8 का A part और फिर सितंबर 2016 में आया था क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट. और दोनों क्वेश्चंस के अंदर यही कहा गया था कि इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम के करेक्टरिस्टिक्स बयान करें. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, तो ये सारे के सारे फीचर्स आपने एक्सप्लेन करने थे कि सिस्टम एक्यूरेट इन्वेंटरी लेवल्स को रिपोर्ट करता है और एक रूल आप एसोसिएट कर देते हैं जिसे हम रीऑर्डर पॉइंट कहते हैं. रीऑर्डर पॉइंट का मतलब होता है कि वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर देगा रीऑर्डर जैसे ही एक मिनिमम इन्वेंटरी लेवल को आप रीच करें. फिर इससे हम इन्वेंट्री की एज को भी ट्रैक कर लेते हैं, स्पेशली जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं जैसे बेकरीज हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं वो इन्वेंट्री की एज को ट्रैक कर लेते हैं, स्पेशली जहाँ पे पेरिशेबल इन्वेंट्री ज्यादा होती है जैसे फूड एंड ड्रिंक्स हैं.
इसी तरह ये सिस्टम जो है ये शॉर्टेजेस को भी हाईलाइट करता है, किस यू नो एसकेयू की या किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो शॉर्ट होगी। ये सिस्टम जो है ये आपको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट भी निकाल के देता है कि आपकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी है, हाउ मच हैव यू परचेज, हाउ मच मोर यू आर यू नो गोइंग टू परचेज। ये सिस्टम सप्लायर की डिटेल्स को भी रिकॉर्ड करता है, किस किस सप्लायर से परचेज करना है, कौन सा सप्लायर जो है वो आपका क्या क्वांटिटीज आपको दे सकता है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मेंटेन होती है। इसी तरह डेट्स ऑफ इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स भी ये मेंटेन करता है। तो दिस इज अ वेरी यू नो डिटेल्ड सिस्टम, ये बड़ा डिटेल्ड सिस्टम है। इट कैप्चर्स ऑल द रिकॉर्ड्स एंड ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वेंट्री। हाँ, फिर ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें एलिमेंट होता है, लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री को भी रिकॉर्ड करता है। आप जब किसी मेडिकल स्टोर में जाते हैं, आप जाकर कोई मेडिसिन मांगते हैं, तो इतना बड़ा मेडिकल स्टोर है और इतनी सारी मेडिसिन वहाँ पड़ी हैं, तो हाउ कुड द पर्सन नो कि कौन सी मेडिसिन किस कैबिनेट में किस ड्रॉअर में पड़ी हुई है। तो जो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है वो इन्वेंट्री लोकेशन भी बता रहा होता है, ताकि आप इन्वेंट्री को ईजीली ढूंढ सकें और कन्वीनियंटली आप कस्टमर को सर्व कर सकें। जस्ट इमेजिन एक मेडिकल स्टोर में एक दवाई ढूंढनी पड़ जाए तो कितना मुश्किल होगा उस पूरे मेडिकल स्टोर में एक मेडिसिन को ढूंढना। सो दे ऑलरेडी नो कि कौन सी मेडिसिन कहाँ पर उन्होंने स्टोर की हुई है, वो ऑटोमेटिकली उस मेडिसिन को वहीं से जाकर निकालना। सो ऑल ऑफ दीज आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये दोनों सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर देती हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ। योर इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम और उसके थ्रू आप बिजनेस के सारे डिसीजंस जो ले सकते हैं। द थर्ड सिस्टम इज ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं, पर्सनल सिस्टम भी कहते हैं। अच्छा, इसके बैकएंड पे एचआर का टीपीएस काम कर रहा होता है। जितनी ह्यूमन रिसोर्स की ट्रांजेक्शन है, मीन्स कौन सा नया एम्प्लॉई हायर किया है, क्या सैलरी है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ से आ रही है, एचआर के टीपीएस से आ रही है। पर्सनल सिस्टम जो है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस को सपोर्ट करता है, स्पेशली तीन फंक्शंस को, रिक्रूटमेंट को, सिलेक्शन को, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड ऑफ कोर्स अप्रेजल। और भी ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ह्यूमन रिसोर्स के, लेकिन मेनली हम इन तीन फंक्शंस की बात करते हैं। This system contains very significant amount of sensitive data. HR का data बहुत sensitive होता है इदारे के लिए। HR का data इदारा कभी नहीं चाहता कि उसका breach हो, तो HR बड़ा sensitive होता है। फिर आपको यहाँ पर data security controls बहुत high करने पड़ते हैं। System के modules होते हैं, HR के बहुत सारे modules हैं, HRIS के या personnel system के components मुराद यहाँ modules हैं। इसका एक module है recruitment. Recruitment का module highlight करता है internal job vacancies को जो कि अवेलेबल है फॉर द स्टाफ। रिक्रूटमेंट का मॉड्यूल आपको ये भी हेल्प करता है कि आप कैसे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कंपेन रन कर सकते हैं, उसकी कॉस्टिंग कर सकते हैं, अखबार में ऐड देना है फॉर एग्जांपल, या कोई और मीडियम यूज करना है। इस तरह इसका एक मॉड्यूल होता है टू लेट यू नो अबाउट द रिडेंडेंसी, प्लान्ड एंड वॉलंटरी रिडेंडेंसी ऑफ द एम्प्लॉयज। आपने एक नई मशीन इम्पोर्ट की है तो आपका सिस्टम आपको बताएगा कि अच्छा इस डिपार्टमेंट में हमें कितने लोग जो हैं वो फालतू हो गए, एक्स्ट्रा हो गए, और दोज शुड बी मूव टू अदर प्लेस और दे माइट बी लेड ऑफ। तो ये हमने पढ़ा था, आपको याद होगा सेकंड चैप्टर में। रिडंडेंसी का मतलब होता है जब आपकी जब आपको ह्यूमन रिसोर्स को फायर करना पड़े बिकॉज यू डोंट नीड देम एनी मोर, तो आप क्या करते हैं, फिर आप वर्क फोर्स को रिडंडेंट करते हैं। रिडंडेंसी का मतलब होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना, निकालना, ठीक है। तो व्हेन यू हैव टू डू कंपलसरी रिडंडेंसीज, यू हैव टू मेक श्योर कि कंपनी सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करे। यहाँ पढ़ के आ चुके हैं सेकंड चैप्टर। फिर पर्सनल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ये सारा का सारा डेटा जो है ये फिर आप मेंटेन करते हैं पर्सनल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के अंदर। ये अगेन दिस इज ऑल्सो द टीपीएस, दिस इज ऑल्सो योर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस टीपीएस। पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, सॉरी एचआरटीपीएस, नॉट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एचआरटीपीएस, ये सारी इंफॉर्मेशन आप टीपीएस के थ्रू ले रहे हैं। यू नीड नॉट टू मेमोराइज ऑल दिस बुलेट पॉइंट्स, इसमें से कम से कम 5-7 आपको आना चाहिए कि किस किस्म की इंफॉर्मेशन हम पर्सनल टीपीएस से रिकॉर्ड करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज दैट टू बी रिकॉर्ड थ्रू पर्सनल टीपीएस। फॉर एग्जाम्पल आप एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, फैमिली एंड मेडिकल कॉन्टैक्ट डिटेल्स रखते हैं, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री रखते हैं, ट्रेनिंग का रिकॉर्ड रखते हैं, ट्रेनिंग का प्लान रखते हैं, क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स, क्या एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन है, कितना पढ़ा हुआ,
कितनी छुट्टियां कर चुका है, कितनी छुट्टियां उसकी रहती हैं, कितनी छुट्टियां ले चुका है, सिक लीव्स ले चुका है, कितनी सिक लीव्स अभी बकाया है, अनऑथराइज्ड एब्सेंस आप उसी की मेजर करते हैं, अनऑथराइज्ड एब्सेंस में आप ये देखते हैं कि कितनी छुट्टियां उसने बगैर बताए की हैं। टाइम ऑफ इन लीव, टाइम ऑफ इन लीव से मुराद ये है कि वो किसी ही जगह पे काम पे गया या उसने, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन हैज वर्कड ओवर टाइम, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट उसने कितना काम किया, ठीक है, इसे हम टाइम ऑफ इन लीव भी कहते हैं। तो टाइम ऑफ इन लीव जो है ये आप मेजर करते हैं, लाइक टू व्हाट एक्सटेंट बंदे ने ओवर टाइम जो है वो काम करना है। डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड, उसके खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं लिया गया। बोनस पे हिस्ट्री, अदर रिवॉर्ड्स एंड कमेंडेशन, कमेंडेशन मीन उसे क्या अवार्ड्स मिले, एनुअल अप्रेजल, ये सारा का सारा डेटा आप टीपीएस के थ्रू मेंटेन कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज डेटा इज बीइंग मेंटेन थ्रू टीपीएस। और जब ये सारे का सारा डेटा मेंटेन कर लेते हैं, फिर आप पर्सनल मैनेजमेंट रिपोर्टिंग करते हैं, देन यू डेवलप रिपोर्ट्स। ये सारी रिपोर्ट्स आपको फिर समराइज करके बताती हैं कि आपकी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर कितनी स्पेंडिंग है, क्या उसमें डिफरेंट आपके डिफरेंट फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बेनिफिट रिपोर्टिंग करते हैं, कौन सा एम्प्लॉय कितने बेनिफिट्स ले रहा है, क्या क्या किस किस की कितनी कितनी उसके अंदर वो एंटाइटलमेंट्स हैं, गाड़ियाँ किस किस एम्प्लॉय के पास हैं। आप हेड काउंट रिपोर्टिंग करते हैं, पिछले साल कितने एम्प्लॉयज थे, इस साल कितने एम्प्लॉयज हैं। आप पे डिटेल्स निकालते हैं, कितनी अमाउंट हम बिजनेस में सैलरीज में दे रहे हैं। जेंडर एंड डाइवर्सिटी मिक्स इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ये भी एक रिपोर्ट बनती है, हर डिपार्टमेंट के अंदर कितने मेल्स हैं, कितनी फीमेल्स हैं, फिर पूरे इदारे में मेल्स फीमेल्स का बैलेंस कितना है। फिर आप एज प्रोफाइलिंग की रिपोर्टिंग भी करते हैं इसके थ्रू। पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम ऑल्सो अलाउ यू टू प्रोफाइल द एज। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी में 25 से 30 साल के एम्प्लॉयज़ कितने हैं, आपकी कंपनी के अंदर 30 से 35 साल के एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ये सारी आपकी एज प्रोफाइलिंग होती है, दैट इज योर एज प्रोफाइलिंग। आप टेन्योर प्रोफाइलिंग भी करते हैं, टेन्योर प्रोफाइलिंग के अंदर आप देखते हैं कितना कितना अरसा हो गया हुआ एम्प्लॉयज़ को काम करते हुए, तो आप डिफरेंट टेन्योर्स की प्रोफाइलिंग करते हैं। फिर आप एब्सेंस एनालिसिस करते हैं, किस एम्प्लॉई ने कितनी कितनी छुट्टियाँ की हैं, कब कब की हैं, आप पूरे साल का वो ग्राफ सा बना लेते हैं। यहाँ पे आपके मंथ्स होते हैं और यहाँ पे आपके काउंट होता है, और आप देखते हैं कि पूरे साल में एम्प्लॉई ने कितनी कितनी छुट्टियाँ की हैं, एब्सेंस एनालिसिस करते हैं आप, ठीक है। तो दिस इज हाउ ये सारी रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं। ऑल ऑफ दीज आर द रिपोर्ट्स विच आर जनरेटेड थ्रू द पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज का डेटा जो है उसे अप्रोप्रिएटली हैंडल करती हैं और मैनेज करती हैं। ओके, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये आजकल कुछ चैप्टर वाइज ना एनिमेटेड वीडियोस पे काम कर रहे हैं, तो दे हैव रिक्वेस्टेड मी कि बीएमबीएस के लिए कुछ हमने एनिमेटेड वीडियोस बनाई हैं जस्ट फॉर द रीकैप, ठीक। तो पहले दो चैप्टर्स की जो वीडियो है वो अभी आपके सामने प्ले होगी, जस्ट लिसन टू इट, अंडरस्टैंड इट, इफ पॉसिबल स्क्रीन रिकॉर्ड कर लें उसको, वो बड़ा आपको एक ओवरव्यू दे देती है चैप्टर का, और बड़ी एक हैंडी वे में ऑडियो विजुअल तरीके से आप उस चैप्टर के डिफरेंट कॉन्टेंट्स को समझ सकते हैं। मतलब शायद दूसरे कोर्सेज में देखी होंगी आपने, देखिए आपने लॉ में भी इसको प्रैक्टिस किया है हमने, तो बीएमबीएस की अभी तक हम वीडियो चला नहीं सके अनफॉर्चुनेटली, तो आई हैव टोल्ड देम कि आज एक आधी वीडियो जरूर प्ले करके अगर आपको दिखाते हैं आपको भी वो एक बिल्कुल एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है हर चैप्टर का। तो एटलीस्ट चले आप, चूँकि टाइम भी काफ़ी हो गया है, फर्स्ट चैप्टर पढ़े हुए तकरीबन 2 महीने हो गए, सो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, हम फर्स्ट चैप्टर को रिव्यू कर देते हैं। एनिमेटेड वीडियोज एलएमएस पे अपलोड नहीं होंगी बेटा, या ये अपलोड नहीं होंगी, ये सिर्फ जो स्टूडेंट रेगुलर क्लासेस लेने आते हैं ये सिर्फ उनके लिए है। वीडियोज विल नॉट बी अपलोडेड ऑन योर एलएमएस, ठीक। नहीं, ये आप देखें, अगेन यू आर माशाल्लाह ऑल टेक सावी पीपल, आप सारे के सारे टेक्नोलॉजी में बड़े एडवांस हैं, तो अगर आपको लगता है कि दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल और वेरी फ्रूटफुल, तो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन जस्ट स्क्रीन रिकॉर्ड इट, ठीक है। आप मतलब कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन इट, ठीक है। आपके लैपटॉप्स में भी ऑप्शन होती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, वो भी कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई मसला नहीं है सच। लेकिन ये आई गेस मैनेजमेंट पॉलिसी है कि उसे अपलोड नहीं करते एलएमएस के ऊपर। लेट मी जस्ट कॉल द आईटी पर्सन एंड आस्क हिम कि वो एक वीडियो प्ले करे। हमारे दो इंफॉर्मेशन सिस्टम रह गए हैं, इंटीग्रेटेड और ईआरपी। ये हम इंशाल्लाह कल कंक्लूड करेंगे इस चैप्टर को, और कल ही हम इस चैप्टर के होपफुली पास्ट पेपर डिस्क, हाँ कल आपका टेस्ट भी है, कल आपका टेस्ट भी है।
देखें, मैं आपको बताता हूँ शेरुल, आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, क्लास ले रहे हैं ना ऑनलाइन, तो आपकी जारी बातें करो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यू आर सेक्रीफाइसिंग समथिंग, और उसके बाद आप यहाँ मौजूद हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे हमारे बीएमबीएस में इस वक्त जो टोटल स्टूडेंट एनरोल्ड हैं, दे आर लाइक मोर देन 30, लेकिन क्लास में आप देखें सिर्फ 13-14 लोग हैं जो रेगुलर हैं, ठीक है, बट यू आर वन ऑफ देम। तो बीइंग रेगुलर इन द क्लास शुड गेट सम बेनिफिट ऑन दोज हु आर नॉट रेगुलर। तो इसके पीछे भी थीम ये है। नवीद बेटा, कल के टेस्ट के टॉपिक्स हैं पेज नंबर 231 से 245 तक आईटी। इसका जितना मिड टर्म में टेस्ट हुआ था वो दोबारा आएगा, और उसके बाद अभी तक हमने जितना 11 चैप्टर कवर किया था इंफॉर्मेशन सिस्टम से पहले पहले, प्रिसाइजली स्पीकिंग 245 तक 11 चैप्टर, पेज नंबर 245। इफ यू आर रेगुलर, इफ यू आर अटेंटिव, तो इट शुड बेनिफिट यू, ठीक है। मतलब अगर आप व्हाट्सएप के ग्रुप में आप सारे ऐड हैं, आई वाज जस्ट वंडरिंग इन द व्हाट्सएप ग्रुप के जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं व्हाट्सएप के अंदर, दे आर लाइक मोर देन 40। अगर मैनेजमेंट के बंदे निकाल दें तो 7 बंदे मैनेजमेंट के निकाल दें तो फिर भी 39 पीपल आर देयर। 39 इज अ ह्यूज स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन, और इसका 30% आता है क्लास में, ऐसे ही है ना, ओनली 30% पीपल अटेंड द क्लास, 13-14 पीपल, नॉट मोर देन दैट। तो इसका मतलब है कि फिर थोड़ा सा बेनिफिट मिलना चाहिए उनको, दोज हु आर रेगुलर एंड टू दोज एज कम्पेयर टू दोज हु आर नॉट मच रेगुलर। जस्ट स्टे ऑनलाइन, दो मिनट दीजिएगा, इट्स जस्ट कमिंग। मगी की यार काफी दूर है, असल में ये स्टूडियो जो है ना, ये यहाँ पे वॉइस इको ज्यादा होती है, इट्स बेटर कि आप अपना स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें, दैट वुड हेल्प मच बेटर, क्योंकि ये कमरा ना साउंड को इको करता है, तो आई कांट हेल्प इट, इवन दो माइक मेरे मुंह से काफी दूर है, बट इट कांट हेल्प। हाँ, इको है एग्जैक्टली, ये एको जो है इसलिए है कि कमरा बंद है एक्चुअली काफी। ओके, तो स्टे पुट, ये अभी जाहिद जो है ये आपके सामने वीडियो प्ले कर देंगे, ठीक है। Thank you.
to the certificate in accounting and finance subject, business management and behavioral studies. In this video, we will discuss the first topic of the subject, that is management concepts. Management concepts constitute 25% of the ICAP syllabus grid. Concepts covered in this video are, we will study definition and roles of management. In definition, we will discuss the terms of management, leadership, and supervision. Then we will discuss the classical approaches in business management of the following theorists: F.W. Taylor, Henry Fayol, Linda Loret, Max Weber, Rosemary Stewart, and Elton Mayo. Let's start with the definition of management. Management is about planning, controlling, organizing, communicating, and coordinating. The subdomain of management is leadership. A leader leads change with shared vision. He empowers people and inspires people and motivates them to achieve common goals. Supervision, it is management by overseeing the performance or activities of the individuals. Supervisors are expected to develop staff and provide on-the-job training. There are certain roles performed by the management that can be listed as follows. One, set objectives. Two, plan achievement of objectives. Three, organize resources. Four, establish controls. Five, coordinate activities. Six, effective communication system. Seven, monitor performance. Eight, take corrective actions. And nine, review actual achievement and establish new management. Let's proceed towards classical theories of management. F.W. Taylor and scientific management, Henry Fayol and principles of management, Linda Loret, principles of organization, Weber and bureaucracy, Rosemary Stewart, and Elton Mayo and human relations. F.W. Taylor and scientific management. Taylor is considered the originator of time and motion study. His theory is based on principle of division of work. Taylor suggested four underlying principles of scientific management. These are, one best way to do a job, two, select the best person for each job, three, train best person in best way, four, use incentives to encourage people. Taylor's scientific management was criticized due to, one, it results in dull, repetitive, monotonous work. Two, it demoralizes the workers who do the monotonous job. Three, lower efficiency due to lack of interest in the job. Henry Fayol and principles of management. Henry Fayol suggested five main tasks of management. One, to plan. Two, to organize. Three, to provide leadership. Four, to coordinate. And five, to control. Testing in ICAP past papers, Spring 16, Marks 10, question number 1. Discuss the management functions in a typical business organization as enunciated by Fayol. Answer suggested by ICAP. You can see they talk about 1. Planning, 2. Organizing, 3. Commanding, 4. Coordinating, and 5. Controlling. He suggested to consistently apply following 14 principles for all types of organizations for good management. 1. Division of work. 2. Authority. 3. Discipline. 4. Unity of command. 5. Unity of direction. 6. Subordination of individual interest. 7. Remuneration. 8. Centralization. 9. Scalar chain. 10. Order. 11. Equity.
12, stability of tenure, 13, initiative, and 14, esprit de corps. According to Lyndall Orick, an organization is built on 10 principles. These are: number 1, objective; number 2, specialization; number 3, coordination; number 4, authority; number 5, responsibility; number 6, definition; number 7, correspondence; number 8, span of control; number 9, balance; and number 10, continuity. One theorist, Max Weber, studied the growth in numbers, size, and power of large organizations. He argued that an ideal bureaucracy has the following characteristics: number 1, hierarchy of authority; number 2, operate in an impersonal and impartial way; number 3, written rules of conduct; number 4, promotion of individuals; number 5, division of labor and work specialization; and number 6, operational efficiency. Testing in the ICAP past papers, autumn 2015, mark 6, question 6a. Discuss briefly the characteristics of bureaucracy as stated by Max Weber. Answers suggested by ICAP. You can see they talk about hierarchy of top management, impersonal and impartial system of authorities, written rules of appropriate conduct, promotion of individuals, division of labor and work specialization, and operational efficiency. Max Weber identified 3 types of legitimate authority. Number 1, traditional authority. Number 2, rational legal authority. And number 3, charismatic authority. Relating to bureaucracy, a UK modern writer, Rosemary Stewart, summarized the 4 main features of bureaucracy. Number 1, specialization. Number 2, hierarchy of authority. Number 3, system of rules. And number 4, impersonal. She also suggested the following reasons for growth of bureaucracy: 1, growing organization size; 2, greater complexity of work; 3, scientific management; and 4, demand for equality. Testing in the ICAP past papers, autumn 16, mark 9, question number 10. Explain briefly the reasons why she considers bureaucracy to be an essential feature in all organizations. Answers suggested by ICAP. You can see they talk about growing size of organizations, greater complexity of work, scientific management, demand for equality of treatment. Elton Mayo and the Human Relations School. The founder of human relations movement, Elton Mayo, studied the effect on productivity of the changes in working conditions such as nighting, rest period, length of day, pay incentives, and Mayo developed following arguments relating to the effect of positive motivation on it. He said work has social values for workers. Productivity of workers is affected by self-esteem. Work satisfaction lies in recognition, security, and sense of belonging. Motivation is affected by relationship between management and the worker.